अगर हम जैसे अपनी माँ बहन सबकी इज्जत करते हैं, वैसे ही हमें हर औरतों की इज्जत करेंगे तभी हम सेफ हो पाएंगे। हेलो एवरीवन, एज वी ऑल नो कि हमारा इंटरनेशनल वुमेंस डे आ रहा है, वुमेंस की सिक्योरिटी, वुमेंस की सेफ्टी आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा इशू है। हम उनको सिक्योर कैसे फील कराएं? बीइंग अ वुमन, बीइंग अ गर्ल, मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है बाहर के एटमॉस्फेयर में जाने के लिए। तो मैं समझ सकती हूँ कि मेरे जैसी और लड़कियाँ या मेरी जैसी और औरतें कितनी बातें उनके दिमाग में चलती होंगी। और इंटरनेशनल वुमेंस डे सिर्फ हम वुमेंस के लिए नहीं होता, इट्स अ बिग थिंग फॉर मैन एज वेल। तो आइए जानते हैं लोगों से उनके व्यूज़ कि वो क्या सोचते हैं इंटरनेशनल वुमेंस डे के बारे में। सो मैम, डू यू फील ब्लेस्ड बीइंग अ वुमन? औरत के पास ज़्यादा वो होती है, पावर होती है, जेंट्स से ज़्यादा पावर औरत के पास होती है। ऐसा बहुत कुछ होता है, खैर यहाँ इंडियंस हैं, इंडियंस में ये पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पे तो बस पुरुष ही पुरुष सब कुछ होते हैं, लेडीज़ को कुछ समझा ही नहीं जाता है। बट ऐसा कई बार होता है, बट फिर भी हमें लगता है कि हम फिर भी अच्छे हैं। बहुत टाइम होता है, कई बार होता है घर वाले भी ऐसी हरकत कर देते हैं कि हमको नीचा दिखाते हैं, लड़कों को ज़्यादा वो दिखाते हैं। मुझे औरत होना वाकई में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक घर को किस तरीके से चलाना है, अपनी फैमिली को कैसे सपोर्ट करना है, ये ज़्यादातर हम लोगों के ऊपर ही इंडिपेंडेंट होता है। आदमी लोगों का काम होता है सिर्फ जाके अपना वर्क करना, पेमेंट लाना, पैसे कमाना, मगर फैमिली को तो एक सही डायरेक्शन देना हमारा काम है ना, इसलिए मुझे तो औरत होना बहुत पसंद है। तो सर, इंटरनेशनल वुमेंस डे सुनते ही सबसे पहली चीज़ दिमाग में क्या आती है? वेल, आई विल से द स्पेशल डे डेडिकेटेड टू ऑल वुमेंस, एंड ख्याल ये आता है बीइंग अ डेली हाइट, सेफ्टी फॉर वुमेन, व्हिच इज़ अ मेजर इशू स्पेशली इन मेट्रोस एंड एनसीआर एरियाज लाइक नोएडा एंड गुड़गांव। वुमेंस की सेफ्टी के लिए जी जो कुछ पैरामीटर्स हैं वो होने चाहिए उनकी सेफ्टी के लिए, जो भी कर सकती है गवर्नमेंट कर सकती है, ये एक आम आदमी भी उसके लिए ये चीज़ें कर सकता है सेफ्टी के लिए, कि ध्यान रखा जाए उनके लिए जी। और एटमॉस्फेयर अच्छा बना के रखें। राइट नाउ फेमिनिज्म, आई गेस फेमिनिज्म बढ़ रहा है इंटरनेशनल वुमेन डे, एज इन अब काफ़ी हद तक अच्छा लगता है, मतलब वुमेन्स को भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। एज इन सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आया वो है कंगना रनावत, जैसे मणिकर्णिका आई थी तो उसने डायरेक्ट भी खुद करी थी, तो मतलब वो काफ़ी हद तक वो हो रहा है, इन्फ्लुएंस हो रहा है कि हाँ अब वुमेन बेस्ड मूवीज़ भी चल रही हैं और आगे काफ़ी हद तक दिख रही हैं हमें आगे आती हुई औरतें भी, लड़कियाँ भी। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ईव डेजिंग केसेस एंड द वुमेन शुड हैव टू बी मोर प्रोएक्टिव, दे शुड नो देयर राइट्स, कॉल द पुलिस एंड यू नो दे शुड बी मोर प्रोएक्टिव। अगर उनको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो मेक अ गैंग और कॉल 1091 और अदर वुमेन हेल्पलाइन सर्विसेज एंड टेक देयर बेस्ट हेल्प। कि वुमेंस डे का नाम सुनते ही जो वुमेन की सिक्योरिटी होती है उस पर आपका क्या विचार? सिक्योरिटी तो कुछ खास नहीं है, मतलब है भी और नहीं भी है, लड़कियाँ खुद भी हैं कर सकती हैं अपने आप को, कुछ लड़कियाँ खुद भी होती हैं जिम्मेदार होती हैं, बाकी लड़के ज़्यादा हैं आजकल, सिक्योरिटी उतनी खास नहीं है। इसमें क्या है कि एक आम नागरिक को ये सोचना चाहिए कि ये नहीं हो कि कोई किसी का कोई रिलेटिव है तभी उसका ध्यान रखा जाए, अगर कोई कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ होती है तो उसको पॉइंट आउट करना चाहिए। वुमेंस की सिक्योरिटी के बारे में अभी तो खैर बहुत अच्छे हालात हुए, लेकिन फिर भी बहुत आगे करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी वुमेंस के लिए पूरी तरह से सेफ्टी नहीं है, इसलिए वुमेंस को मार्शल आर्ट वगैरह ये सब में सीखना चाहिए। दूसरों के ऊपर निर्भर होने से अच्छा है कि वो खुद पर निर्भर हों। उस पर यही है कि हम जिस तरीके से हम बाहर निकलते हैं यही होता है कि हम सेफ्टी अपनी बनाए रखें, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि सेफ्टी को नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कहीं भी आना जाना संभल के जाना पड़ता है, टाइम से निकलना, और ये भी होता है कि घर वाले बाहर नहीं निकलने देते इसी रीज़न से। तो वही है कि अगर थोड़ी छूट मिले तो लड़कियाँ भी कुछ कर सकती है, बट वही है कि आधे लड़कों की वजह से रह जाती हैं और आधे घर वाले फिर जाने नहीं देते इसी वजह से। उसके लिए तो देखो सेफ्टी तो ज़रूरी है ही है, क्योंकि आज का टाइम माहौल बहुत ख़राब हो गया है, लड़कियाँ बहुत जल्दी, लेकिन आज के जिस हिसाब से लोग आगे चल रहे हैं उस हिसाब से लड़कियों को कंफर्टेबल रहना चाहिए हर तरीके से, डरना नहीं चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए कि हम किसी चीज़ से कमज़ोर हैं तो हमें पीछे जाना चाहिए, नहीं, डट के हर तरीके से मुकाबला करना चाहिए। और तो सर, बीइंग अ मेल, बीइंग अ मेल ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल मेल ऑफ अ सोसाइटी,
What are your duties and responsibilities towards a woman? Responsibility as in कुछ hard and fast नहीं करना आपको, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा करो, आपको just एक कि जो एक gentleman होता है उतना ही करोगे आप तो सब ठीक हो जाएगा. As in कि कुछ ऐसा नहीं है कि आप out of the box जाके कुछ करो, वो उसकी ज़रूरत नहीं है. बस आपको जितना आपको करना है कि हाँ आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, अगर आप don'ts को ही follow कर लो, do's छोड़ दो. अगर मेरे को पता है कि मेरे को ये नहीं करना या ये ईव टीसिंग हो गई या ये गलत हो गया है उससे वो अनकंफर्टेबल हो रही है, अगर मैं वो चीज़ें भी करने लग जाऊँ तो उससे काफ़ी हो जाऊँ हद तक सब ठीक हो जाएगा. मतलब कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ इतने में, तो मेरे को लगता है काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी चीज़ें. हमें ये देखना चाहिए कि अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में पॉइंट आउट करना चाहिए, और उसके लिए जो भी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो हमें करना चाहिए. सेफ फील कराने के लिए, इफ यू सी समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, लेडीज नॉट फीलिंग अनकंफर्टेबल, 10-15 लोग हैं, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, आई मीन इन द मार्केट दे आर ड्रंक एंड दे आर मिसबिहेविंग, पासिंग कॉमेंट्स. सो अगर 5-6 लोग मिलकर प्रोडक्टिव पकड़ लें या किसी को फिर डरा दें या उनके सामने बोले आई एम कॉलिंग 100 नंबर, कॉलिंग द पुलिस, इट विल मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. दिस विल आई मीन आई विल मेक मोर वुमेन फील कम्फर्टेबल टू वॉक अराउंड. गवर्नमेंट क्या लगता है मैम आपको कि गवर्नमेंट वुमेन सेफ्टी के लिए कुछ काम कर रही है? कर तो रही है पर वो रूल अप्लाई नहीं जा रहे ठीक से, क्योंकि ये है कि देख तो रहे हो यहाँ पे कितना जाम वगैरह लगता है, लेकिन यही है वहीं पे लड़के भी छेड़ा छाड़ी सारी चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ अपनाई नहीं जा रही है. रूल तो फॉलो हो रहे हैं पर ठीक से नहीं हो रही. सबसे पहले तो औरत की इज्जत करना चाहिए, अगर आप औरत की इज्जत नहीं कर सकते हो तो औरत को सेफ फील हो ही नहीं सकता है. अगर हम किसी की इज्जत, अगर हम जैसे अपनी माँ बहन सबकी इज्जत करते हैं वैसे ही हमें हर औरतों की इज्जत करेंगे तभी हम सेफ हो पाएंगे. आपकी लाइफ में टॉप 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट वुमेन? टॉप 3 आई विल से मदर टेरेसा, वेरी इंस्पायरिंग वुमेन शी वॉज, एंड अनदर 2 आई विल से क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट कैप्टन मिथाली राज, शी इज़ डूइंग वेल, शी इज़ बीन आई मीन डूइंग ट्रिमेंडसली वेल. एंड द थर्ड वुमेन आई विल से माई मदर, शी इज़ ऑलवेज आई मीन इंस्पायरिंग मी एंड माई फैमिली. मेरी मम्मी थोड़े डिस्प्यूट्स होकर रहते हैं जो कि हर बच्चे के होते रहते हैं, नहीं मिलती हैं जनरेशन, न्यू जनरेशन की हमारी बातें. बस या दीज 3 वुमेन आई मेक अ लॉट ऑफ आई मीन कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंडिया एंड या दे इंस्पायर ऑल द वुमेन अराउंड. मदर, वाइफ, वुमेन ही बतानी है, दो ही हैं बाकी सिस्टर और डॉटर. सिस्टर में वही वुमेन में सिस्टर वो नहीं आती ना. हाँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मदर, फिर वाइफ और फिर सिस्टर और डॉटर. तो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं क्या वो सिर्फ लड़कियों के लिए होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि क्या है कि बॉयज़ है या वुमेन है, कोई भी है, किसी के लिए भी जैसे होता है कि गैर टाइम बाहर जाना आना, उससे क्या है कि चाहे वो लड़का या चाहे कोई है, किसी के साथ भी मिस हैपनिंग या कोई भी गलत चीज़ हो सकती है. जैसे ज़्यादातर शरारती तत्व तो क्या रात को ही घूमते हैं, तो देर रात बाहर ना जाना, इस तरीके की चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए. नहीं, लड़कों के लिए भी होना चाहिए, क्योंकि अगर लड़के भी वो रूल अपनाएंगे तभी तो लड़कियों की लड़कियाँ कर पाएंगे ना कुछ. लेकिन यही है कि लड़कियों को दबा के रखते हैं, लड़कों को खुली छूट देते हैं, तो वो तभी उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और वो चीज़ हो नहीं पाती. फीमेल्स के लिए कोई मैसेज ऑन इंटरनेशनल वुमेंस डे? फीमेल्स के लिए मैसेज एज सच ये है कि हाँ, मतलब अच्छा कर रहे हो, आगे बढ़ते रहो, ऐसा ही कुछ है. बस ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा बोलने के लिए. बट फीमेल्स का मेन ये कि हाँ, आप अच्छा कर रहे हो, कभी कम हो मत समझो, क्योंकि यार मेरे को लग रहा है कई बार लड़के ही नीचे रह जाने का अभी तक, तो हाँ कम मत समझो. हाँ, हैप्पी वुमेंस डे. हैप्पी वुमेंस नेशनल डे. इट्स अ ग्रेट डे फॉर वुमेन. एंजॉय, रोम अराउंड, हैव फ्रीडम एंड लिव योर लाइफ द वे यू वांट टू बी. That's it. Happy International Women's Day. Happy International Women's Day, भाई. तो दोस्तों, ये थी हमारी जनता की राय वुमेन्स डे से रिलेटेड. सबका ऑलमोस्ट यही कहना है कि जब तक हम एक औरत को इज्जत नहीं दे सकते तो उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते. एक औरत को अगर कुछ चाहिए तो वो है सिर्फ इज्जत. आप भी अपने आसपास की सभी औरतों को, सभी लड़कियों को हमेशा मोटिवेट करते रहिए. उन्हें हमेशा यही समझाइए कि वो बेस्ट हैं, वो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं. मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे. अपने आसपास हर वुमेन को ये वीडियो दिखाइए, उनको डेडिकेट कीजिए और उन तक ये विशेस पहुँचाइए. शुक्रिया.